अगर आपके रूम में दो पंखे और दो एलईडी लगी हुई है, उसको स्विच से कैसे करना और उस रूम में बोर्ड कैसे लगाना है, आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं अमित इलेक्ट्रिशियन, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल कर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर इसी तरह की इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज को नया सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये 6 बे बोर्ड है, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मार्केट में मिल जाएगा बहुत आसानी से, तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपको अपने रूम में लगाना है। आप अपना 4 बे लगा सकते हैं, 5 बे लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी साकेट है एंकर कंपनी की, ये आपको 25 रुपये में मिल जाएगी। और ये हमारी 6 एम्पियर की साकेट है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एम्पियर की हमारी ये साकेट है, आपको 25 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा ये स्विच है 6 एम्पियर का एंकर का, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल स्विच 6 एम्पियर का है, ये आपको 15 रुपये में मार्केट में परचेस हो जाएगा, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्विच है, तो हम चलिए सबसे पहले इसको अपने बोर्ड में लगा लेते हैं स्विच साकेट। मैंने स्विच साकेट लगाने वाले पहले वीडियो बना दी, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो मेरा इसमें स्विच और साकेट लग चुका है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मैंने सारे पेंच अच्छे से कस दिए और हमारा स्विच और साकेट लग चुका है। इसमें मैंने 5 स्विच और 1 साकेट लगाई है, जैसा कि आप सब लोग ऐसा इंटरफेस देख रहे हैं, हमारे बोर्ड में 5 स्विच और 1 साकेट हमारा लग चुका है। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये आपको दिख रहा है, तो हम 1 स्विच से इस साकेट को कर देंगे, ठीक है। जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये साकेट चलने लगेगा और हमारी जो स्विच है उसमें अपने घर के पॉइंट लगाएंगे, जो हमारे रूम में एलईडी और फैन लगे हुए हैं उसके पॉइंट देंगे, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से इसमें वायरिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो ब्लू वायर है, इसको अपने स्विच में लगा देंगे, तो इसको जल्दी से लगा लेते हैं हम। फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज पे भी लाइक कर दीजिए और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और आप लोग वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा भी चैनल है, मेरा म्यूजिक का चैनल है, मैं ढोलक प्लेइंग भी करता हूँ, मैं ढोलक भी प्ले करता हूँ। तो आप मेरा दूसरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अमित सैनी ढोलक प्लेयर वाला, और मैं टेक्निकल वीडियो भी बनाता हूँ, तो हमारा टेक्निकल चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने इस बोर्ड में तार लगा दिया है और हम इसको अच्छे से अपने स्क्रू से कस देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको जल्दी से टाइट कर देते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा ये एकदम टाइट हो चुका है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम इसमें एक जो है, जो हमारा साकेट आप लोग देख रहे हैं, इस स्विच से हम इस साकेट को कर देंगे, जो हमारा साकेट के बगल ये स्विच लगा है, इसको हम साकेट से कर देंगे। जब हम स्विच खोलेंगे तो हमारा साकेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक जो है वायर इस साकेट में लगा देंगे, ठीक है, और ये वायर हम स्विच के जो ऊपर वाला जो है पॉइंट है उसमें लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से हम लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, जो आपको साकेट के दूसरा वाला पॉइंट दिख रहा है, मैं उसमें अपना न्यूटन का वायर लगाऊंगा, और जो आपको इस स्विच में आप लोगों को देख रहे हैं कि इसमें एक वायर गया हुआ है सभी स्विच में, ये हमारा लाइन का वायर है, ठीक है। आप लोगों को जो स्विच में ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, आपको ये काम करना है कि आप अगर कोई भी फैन या अपनी एलईडी लगाना चाहते हैं इसमें, तो आप अपने एक एलईडी का वायर आपको एक स्विच के पॉइंट में देना है और दूसरा वायर आपको देना है न्यूटन में, ठीक है। जैसा कि मैं अपने सॉकेट में ये न्यूटन अभी लगा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम अपना न्यूटन वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई भी एलईडी या अपना फैन लगाना है, ठीक है, उसको स्विच से करना है कि आप चाहते हैं कि मैं स्विच ऑन करूँ तो मेरा एलईडी बल्ब जल जाए और हम स्विच ऑन करें तो मेरा फैन ऑन हो जाए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये करना है कि अगर आपके जो फैन वाले जो वायर आते हैं उसमें का एक वायर जो ये स्विच में आपको ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, आपको एक वायर इसमें लगा देना है और एक वायर जो है न्यूटन में लगा देना है, जो मैंने सॉकेट में न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें लगा देना, बस आप अपना स्विच ऑन करना, बस फैन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसमें सारे कनेक्शन दे दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एलईडी और जो है फैन के कनेक्शन दे दिए हैं, मैंने इसको एकदम ओके कर दिया है, बोर्ड हमारा एकदम लग चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और मेरी सारी लाइटें जल रही हैं,
एकदम अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिससे आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने एक एक पॉइंट सभी स्विच में दिया है और मैंने न्यूटन सभी को एक में जोड़ दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।